गुड मॉर्निंग। हाँ मैं अभी बोली उसको सोई लगती है। नहीं नहीं कब उठी? 6 बजे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 16 जून। तो चलिए फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा और जुलिया आप सभी को मेरा। तो होप आप सबके साथ एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग एकदम मस्त है। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। कल इतना थक गए थे कि मुझे लगा था मैं उठ नहीं पाऊंगी, पर आज सुबह मेरी नींद 6 बजे खुल गई थी। और उसके बाद फिर मैंने व्लॉग एडिट किया, फिर नहाए वहाए कपड़े वपड़े धोए और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। मैम लोग भी जल्दी उठ गए थे आज। तो अभी हाल फिलहाल तो मैं रूम पे आ गई हूँ। आज थोड़ा मेरे को तबीयत ऐसी ढीली ढीली सी लग रही है, पता नहीं क्यों। कल हम लोग कुछ ज़्यादा ही शायद मार्केट घूम गए थे इतनी गर्मी में, और यहाँ के हिसाब से इतना चलना बहुत टफ है। तो मुझे पता नहीं क्यों अभी तक तो मैं धूप में बैठी हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह ना गई थी तो ठंडा भी हो रहा था, धूप में बैठ गई। बट उसमें मेरी आँखों में इतनी इचिंग सी हो रही है बहुत ज़्यादा। और अभी देखते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यहाँ ठंडे में। नींद आ गई तो ठीक है, अभी तो कपड़े सुखाते पहले। तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले मैम ने फ़ोन किया था, तो मैं खाना खाने के लिए आई थी यहाँ पे। और अभी मैं यूँ पानी लेने के लिए, पानी ले जाना भूल गई। मैम लोग तो गए हैं। यार मेरी बोतल कहाँ गई? तो मैम लोग तो खाना खाने के बाद मार्केट चले गए हैं, दोनों के दोनों घूम निकले। मैं नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं चल पाऊँगी, क्योंकि आंखें बहुत बंद हो रही थी। पानी ले जाते हैं भर के यहाँ किचन से। शाम के 6:30 हो रहे और मैं मतलब सो के गई थी। बड़ी देर तक मुझे नींद नहीं आई क्योंकि आँखों में बहुत जलन हो रही थी। फिर गुलाब जल वगैरह थोड़ा डाला तो थोड़ा सुकून सा मिला, तो शायद मुझे उसके बाद नींद आ गई जब राहत मिली। और अभी 6:30 हो रहे हैं तो मैम का फ़ोन आया था नीचे से, मैम लोग भी मार्केट से आ गए हैं। तो अभी हम नीचे चलते हैं, चाय पियेंगे थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा सो के फ़ायदा नहीं है ना। पता नहीं आज क्या हो गया। तो ये देखो मैम लोग आज भी अपनी शॉपिंग करके आ गए हैं और यहाँ पे मुझे अपनी सारी शॉपिंग दिखाई जा रही है। वो तो रोज शॉपिंग करके तो रोज शॉपिंग करके आ रहा है। ये सर का है। एक एक और है ना, वो क्यूट सा वाला, व्हाइट वाला, वो दिखाओ। ये देखो, आज मैम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग करी है, पूरा वो बर्ड्स का जो मिस हुआ ना वो सब कवर कर लिया शॉपिंग। टूर कैंसिल हुआ तो कोई नहीं, ये वाले मजे ले लिए हमने। मजा तो लेना ही है। ये तो है। और अभी हम लोग की यहाँ पे चाय चल रही है, चाय के साथ चूड़ा है। और मैम लोग मिलने एक और चीज़ी, दो चीज़ी लाए हैं यहाँ पे। ये मैं डायरी ढूंढ रही थी पर हमको मिले नहीं। और ये वो है कान के, देखो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। हे भगवान क्या कर रहे हो तुम, खुद का वीडियो बना रहे हो। ये देखो अकेले अकेले रील ये नहीं स्टोरी। नो, हम रील नहीं बनाते। ये देखो अकेले अकेले लगी हुई है यहाँ पे। आज केक नहीं थे ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं सीधा अगले दिन शूट कर रही हूँ क्योंकि कल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। और अभी ना मैं मार्केट जा रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में कल से रिचार्ज भी नहीं है और अभी यहाँ पे लाइट भी नहीं है, तो वाईफाई भी नहीं चल रहा है और पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है सिम में कि वो रिचार्ज नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जहाँ से हम लोगों ने सिम खरीदा था तो मैं वहीं पर जा रही हूँ। और बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि रोहित के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो रोहित अभी नेटवर्क में नहीं थे क्योंकि उनका टूर चल रहा है, आज वो वापस आने वाले हैं। अभी तो खारू पहुँच गए हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा उनको पहुंचने में, तब तक मैं रिचार्ज करवा के आती हूँ। उनका भी ख़त्म हो गया और मेरा भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो अब खुल रहा है क्योंकि यहाँ लेट से ही खुलता है, 11-12 बजे के टाइम पे। अभी देखना भीड़ भी नहीं है, बड़े टाइम बाद मुलाकात है। हेलो,
तो मुझे रिचार्ज करवाने इतनी दूर आना पड़ा, तो ये बता रहे कि अब ऑनलाइन रिचार्ज नहीं होता है। किस वजह से ऐसी? पता नहीं, फ्री इंपोज है ना ये सिम, इसलिए वो लोग ने कभी बंद करा दिया। अच्छा, करेंगे तो बिल में जाते थे वो लोग। अच्छा, तो अब इन्हीं से करवाते रिचार्ज। तो मैं रिचार्ज करके बस मार्केट से निकल ही रही थी, और ये देखो मैम लोग भी मेरे आगे से लगे हुए थे। रास्ता ये 3 दिन में शॉपिंग करेंगे। 3 दिन से शॉपिंग। लेकिन देखा ना तूने कल कितना ही था। हाँ, ढूंढने में टाइम। हालत पस्त, गर्मी हो रही ना अभी, ऐसा लग रहा है कि जैकेट बेफालतू, ये स्वेटशर्ट फालतू में डाल रखा हमने, इतनी गर्मी हो रही है। आगे देखो उसका फेस देखो कैसा हो रहा है। अभी हमको अचानक से लिफ्ट मिल गई, और हमसे पहले रोहित लोग गए, पर इन्होंने हमको लिफ्ट नहीं दी, सिर्फ हाथ हिलाया बस। आखिर दोस्त दोस्त है, पति पति है, एक्सपीरियंस बोलता है। हेलो, हाय, कैसी है? मोटे। हेलो 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 जुले जुले। हेलो सर, क्या सारा मजा आ गया? देखो अभी सर लोग भी पहुंच रहे, हम भी पहुंच गए। मैडम ने लिफ्ट दे दी हमको, इन लोगों ने नहीं दिया। वही तो, ये देखो अभी सबके सब सेफली घर पहुंच गए हैं। यहाँ डिस्कशन चल रहा है क्या क्या मिला। जुले अच्छो, बढ़िया मैं तो बढ़िया। कैसा लग रहा मैडम को देख के? मैडम को टकाटक कर दिए, इसलिए वाईफाई नहीं चल रहा, आज लाइट ही नहीं है हमारी। देखो हेलो, डल हो गया। नहीं हेलो सर। तो अभी इनके क्लाइंट तो गए हैं शांति स्तूपा, और ये है यहाँ पे। तुमको एक खुशखबरी दूं? दो बताओ सच्ची। हाँ, तुम्हारा एडसेंस भी ना आ गया। कहाँ? घर पे। सही में है? आ गया है। कब? छी, कल परसों, पता नहीं कब आया, पर आ गया। अब आपके लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जनाब का एडसेंस प्रिंट बहुत जल्दी आ गया, मेरा तो कितना महीना लगा था भाई, 3-4 महीने लगे थे मेरे आने में। इन्होंने मेरे को एक खुशखबरी दी, मैं भी इसको एक खुशखबरी दूंगा। हाँ, कल, परसों, नरसों, पता नहीं कब। हे भगवान। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, और हम लोग जाएंगे आज मैम लोग के साथ और सलो के साथ, हमारा डिनर है क्योंकि आज उनकी लास्ट नाइट है यहाँ पे। तो अभी तो बूंदाबांदी हो रही है, पता है मौसम पूरा खराब हो गया। अभी ये भी नीचे ही है शायद, आज दिन में आया। क्या ले आप नीचे पहुंच गए? बैठो, मैं तो बारिश हो रही है, बारिश भी पानी से धो रखा है उन्होंने। अच्छा, धो रखा है। मैं तभी तो बोली बारिश तो हमारे दर तो हो ही नहीं रास्ते में, कैसे बारिश होगी। वही तो। अभी मैम लोग ऊपर शांति स्तूपा गए थे, वहां से अभी आए नहीं है वो लोग, तो क्या पता मार्केट में मिल जाएंगे हम लोग को, है ना। तो अभी हम यहाँ पे सर की मिसेस के लिए और बेटियों के लिए शॉपिंग करे। सर सर ने देखना क्या छाटा है। तो अभी मैंने ना मैम लोग के लिए शॉपिंग कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मैम लोग जाएंगे तो उनको थोड़ा सा गिफ्ट तो बनता है ना। और अभी सबके सब यहाँ पे इकट्ठा हो गए, मुझे टाइम लग गया था, ये लोग आ गए थे शांति स्तूपा से। अभी दिखाती हूँ, आज हम मैम लोग को लेके जाएंगे समर हार्वेस्ट अपने वाले रेस्टोरेंट में। तो अभी हम लोग पहुंच गए अपने समर हार्वेस्ट में, और अभी हम लोग का डिनर है यहाँ पे आज, क्योंकि सर लोग का मैम लोग का लास्ट दिन है यहाँ पे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सर कैसा लगा आपको, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बड़ी सुंदर स्टेट है, बड़ी अच्छी कंपनी थी,
रोहतक रोहित तो बहुत नटखट है, नटखट है। और सर आपका एक्सपीरियंस, आई मीन द सेम थिंग, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इस टेरेन में कभी वाइल्ड लाइफ देखा नहीं था हमने। रोहित का एक्सपीरियंस, उसका साइटिंग, द वे ही अरेंज एवरीथिंग वाज एक्सेलेंट। थैंक यू जिगमेत अच्छो, आपका एक्सपीरियंस भी बताओ मैम लोग, आप बताओ कैसा रहा? वाइल्ड लाइफ जितना अच्छा था, शॉपिंग उतना ही बढ़िया था। हमारे रोहित के साथ एक्सपीरियंस आधा अच्छा था और पूनम के साथ तो और अच्छा, बहुत अच्छा था। वही तो, ये देखो इधर इनकी टीम है और इधर मेरी टीम है, और जिगमेत अच्छो पता नहीं कौन सी टीम में है। वैसे अच्छो दोनों टीम में है, चिकन मटन जो वो अपनी ही टीम में है, चिकन। तो अभी हम लोग डिनर करते हैं यहाँ पे अपना मस्त से। अभी तो हम लोग यहाँ पे मैम लोगों को अलविदा बोले, वैसे तो सुबह मिलेंगे क्योंकि मैम लोगों की फ्लाइट थोड़ा लेट है। और यहाँ पे देखो मैम ने हमको लड्डू और ये चूड़ा दे दिए हैं यहाँ पे, अब इनकी अमानत हमारी होगी। बाय बाय, मुझे याद करना, ठीक है? आएगी। तो चलो भाई, अभी तो मैं रूम पे आ गई हूँ, ये तो बाहर पापा जी से बात कर रहे हैं। और हाल फिलहाल तो जो हमारा सेकंड टूर है वो भी भगवान की कृपा से अच्छे से हो गया है। और मतलब कल सर लोग जाएंगे, सर और मैम लोग, कल उनकी फ्लाइट है सुबह की, और कल दूसरा टूर आ रहा है। एक सर आज आ गए हैं, बाकी कल आएंगे। तो हाल फिलहाल हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलेंगे आपको दूसरे टूर में, तीसरे टूर में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है? होप आपको कि पसंद आ रहे होंगे। किसी किसी को यहाँ के ब्लॉग पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़े थे कि आप गाँव जाओ, हमें लद्दाख पसंद नहीं आ रहा है। बट मैं अभी गाँव जा नहीं सकती हूँ, आपको 4 महीने ऐसी, 3 महीने ऐसी झेलना पड़ेगा मुझे, ठीक है?